यह है देश दुनिया का मशहूर शिक्षा का केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन बीते कुछ सालों से यह विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर नहीं बल्कि सियासत को लेकर चर्चाओं में है। आए दिन यहाँ भारत के खिलाफ नफरत की आवाज बुलंद होती सुनाई देती है, चाहे वो बात जिन्ना विवाद की हो या फिर CAA विवाद के दौरान देश विरोधी नारे लगाने की। ताजा मामला गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का है। मौका था तिरंगा फहराने का। कैंपस में लोग जय हिंद के नारे लगाने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ भारत की जय की गूंज के बदले नारा ए तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे गूंजने लगे। यूनिवर्सिटी के NCC कैडेट्स ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर सबको चौंका दिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस मामले में अब आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क इन आरोपी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। बर्क ने कहा है कि स्टूडेंट्स ने गणतंत्र दिवस की खुशी में जज्बात में आकर छात्रों ने मजहबी नारा लगा दिया होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर का मतलब सबसे बड़ा होता है, इसलिए मजहबी नारा लगाकर खुशी का इजहार करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए कोई भी चीज दिखाई दे, जरा भी कोई मामला दिखाई दे तो मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए सारा हिंदुस्तान का एडमिशन दौड़ पड़ता है उसके चारों तरफ। ये कोई ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, एक मजहबी नारा है उनका, उन्होंने लगा दिया होगा खुशी में। लेकिन अब इस पर कानूनी कार्रवाई की क्या जरूरत है? जब बर्क ने ऐसा विवादित बयान दिया है, BJP सरकार पर हमला करने का वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। वर्क भले मान न माने, क्योंकि वर्क जैसे सांसद ही इस तरह के नारों को काल गलत इस्तेमाल करने का, लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मेरा ये मानना है ये जानबूझकर किया गया माहौल को बिगाड़ने का कदम है। निश्चित तौर पर हम इसकी जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा दंडित कराएंगे। वहीं AMU में भी अब UP पुलिस के खिलाफ नारेबाजी का मामला सामने आया है। UP पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो गणतंत्र दिवस के अवसर पर विवादित नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सामने आया। वायरल वीडियो शुक्रवार देर रात AMU कैंपस में प्रॉक्टर ऑफिस के सामने का बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए विवादित बयान को लेकर अब सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस बयान का समर्थन किया है। ऐसे में इस बयान पर कार्रवाई होने की बात को लेकर बर्क ने सीधे तौर पर इसे एक मामूली घटना बताया है। जानकारी के मुताबिक AMU प्रशासन ने आरोपी छात्र को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस विवाद ने जो भारत विरोध का ट्रेंड सेट किया है वो देश के लिए खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।